हेलो गाइस, आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं हूँ मेरे चाची के घर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे बकरे हैं, तो यहाँ पे मैं लेने के लिए आया हूँ बकरे को। तो चलो बकरे ले लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। हमारे घर पे जगह नहीं थी ना, इसलिए यहाँ पे बांध दी बकरे, इस कमरे के अंदर हमारे बकरे हैं। तो चलो यहाँ से बकरे निकालते हैं और फिर मिलते हैं आपके आगे से, ठीक है दोस्तों। तो चलो पहले बकरे निकालते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में, और हमारे बकरे हमारे घर पर लेके चलते हैं। गाइस देख सकते हो, मैंने बकरे निकाल लिए, तीनों हमारे बकरे हैं। इन बकरों को मैं अब अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, घर पे बांध के फिर आपसे मिलते हैं। तो चलो अभी तो हम बकरे ले लेते हैं। यार ये पंसती नहीं, बहुत बड़े बड़े बकरे हैं। ये घर मेरी दादी का बन रहा है, नया पूरा बनेगा तब आपको दिखाऊँगा। देख सकते हो तीनों बड़े बड़े बकरे हैं, ये तीनों हमारे अभी नए लिए थे। यार बकरे बहुत तेज़ भागते हैं, इनको अब दादी घर पे बांधेंगे, फिर शाम को वापस चाची के घर पे, वहीं पे बांधना पड़ता है। इसलिए अभी हम चलते हैं हमारे दादी के घर पे और बकरों को वहीं पे बांध देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हो मैं अभी चल रहा हूँ रास्ते में, ये मेरा आगे आगे मेरे बकरे चल रहे हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम दादी के घर पर पहुँच गए, मैंने तीनों बकरों को बांध दिया। अब आप देख सकते हो तीनों बकरे आराम से खड़े हैं यहाँ पे, का बस गया बकरे फेर में, ये बस गया, मैं इसको निकाल देता हूँ। तीनों बकरे आराम से खड़े हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो तीनों बकरे आराम से खा लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम इनको थोड़ी दाल ही डाल देते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं बकरों को, फिर मिलते हैं बाद में। फाइनली बकरों को चारा डाल दिया मैंने, तो चलो अब मैं चल रहा हूँ मेरे घर पर, और घर पे चल के मिलते हैं। और अब हमें जाऊंगा, मेरे बाड़े में काम चल रहा है वहाँ पे, इसलिए। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं हमारे बाड़े में। मैं घर पे जाके अभी मैं छाछ लेने के लिए जा रहा हूँ, जो दही से बनती है लस्सी, वो लेने के लिए जा रहा हूँ मेरे दादी के घर पे। फाइनली दोस्तों मैंने छाछ ले ली, अब मैं जा रहा हूँ मेरे घर पर, आप देख सकते हो। तो चलो अब चलते हैं घर पर और वहाँ पर खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे, फिर चलेंगे खाना खा के बाड़े में, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं। गाइस अभी मैं घर पर छाछ रख के भाई का खाना पकड़ाने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे हमारे प्लॉट में। वहाँ पर चार दीवारी हो रही थी भाई, वहाँ पे ही है। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा ये खाना दे के, फिर बाइक लाऊँगा और बाइक लेके फिर मैं जाऊँगा अम्मी को लेके बेरे। तो अभी तो चलो हम चलते बाड़े में, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं बाड़े में। फाइनली मैं खाना लेके आ चुका हूँ मेरे बाड़े में। उधर देख सकते हो कारीगर काम कर रहा है, और ये हमारा छोटा सा प्लाट है। यहाँ पर चार दीवारी कराई है एंड चादर लगाई है वहाँ पर, वो देख सकते हो बकरों के लिए। और ये हमारे VIP कारीगर है, देख सकते हो। ये यहाँ पे कमरे की चुनाई हो रही है। और ये हमारा बाड़ा, ये गेट है कमरे के लगाने के लिए लेके आए थे, और वो चद्दर लगाए वहाँ पे, देख सकते हो। ये पूरा मतलब हमारा ही प्लॉट है, देख सकते हो दोस्तों। अभी मसाला पकड़ाने की बारी आ गई कारीगर को, ये मजदूर का हाथ है। तो चलो कारीगर के पास मसाला रखते हैं। ये हमारा काम दोस्तों, अभी आ रखे हैं हमारे कारीगर साहब को, देखो मसाला नटा रहे जल्दी जल्दी। और ये हमारे एक फ्रेंड आ रखे है देखो मिलने के लिए। ये बहुत दूर से आए, कहाँ से आए हो? अहमदाबाद से आ रखे है, ये देख सकते हो आप, ये हमसे मिलने के लिए बहुत दूर से आए। पटरियों से चल के, ये रेल की पटरियों से चल के आए, हमारे कारीगर साहब कह रहे हैं, देख सकते हो। घर का उद्घाटन करना है हमने। वहां से काम फिरी करके यहाँ पे मेरे दादी घर पे छाए फिरने के लिए। तो बाड़े से फ्री हो गए, अब जुम्मे का टाइम हो गया, तो चलो घर पे नहा के जुम्मा पढ़ने के लिए चलेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों जुम्मा पढ़ के आ गई, और जुम्मा पढ़ के आके मैं सो गया। अब मैं उठा हूँ, अब 3-4 बज चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ वापस बाड़े में। और तो चलो चलते हैं बाड़े में और वहीं पे मिलते हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं बाड़े में, क्योंकि अम्मी का कॉल आया, अम्मी मेरे को वहाँ बुला रही, तो चलो चलते हैं वहीं पर। मैं बाड़े में जाकर आ गया, वापस यहाँ आया, ये चुन्नी लेके मैं अब जा रहा हूँ कुएँ पे चारा लेने के लिए। तो चलो पहले बकरों के लिए चारा लेकर आ जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं कुएँ पर। मैं घर पे कुएँ की फटक की फोटो चाबी भूल गया, इसलिए चाबी लेने के लिए मैं वापस आया घर पर। तो चलो यहाँ से पहले चाबी ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।
चाबी लेके फिर चलेंगे कुएं, क्योंकि वहाँ पे ताला लगा रखा है, ताने पे फिर हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए चाबी लेके जाने पड़ेगा। तो चलो पहले चाबी ले लेते हैं। जैसे तो मतलब गोभी की सारी फसल कर चुकी है, धान बोने की तैयारी हो चुकी है, और अब ये धान बोने की तैयारी हो रही है। इधर देख सकते हैं ये तो अब धान बोएगा, ये देख सकते हो इधर भी धान बोएगा, ये सारा खेत खाली हो गया, पहले इन सब में गोभी थी। तो चलो दोस्तों हम हमारे बेरे पर चलते हैं। हमारा बेरा भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं, पास नहीं है, सामने दिख रहा है। तो चलो हमारे बेरे में मिलते आपको, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आया था, मैंने इतना सा चारा काट लिया बकरों के लिए, देख सकते हो इतना सा। इस फूलों में से मैंने चारा निकाला, ये हमारा खेत है पीछे देख सकते हो, मतलब वो गोभी थी ना उस गोभी को पूरा हटा दिया, यहाँ पे खुदाई करा दी खेत की। तो चलो अब मैं चारा कर लिया और अब मैं घर जाऊँगा। तो चलो पहले घर पर चलते हैं चारा मोटरसाइकिल पर रख के, फिर मिलते हैं आपको घर पर, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलो घर पर, फाइनली मैं चारा लेके पहुँच चुका हूँ, देख सकते हो। तो चलो बकरों को डाल देते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं, बकरों को डालते हैं चारा। हेलो गाइस, अभी हो चुकी है रात, तो चलो अभी सोते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो ओके बाय।